वेलकम टू जॉन अकेडमी, दिस इज शाहुल जॉन। फाइनली SOL DU के सिक्स सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं ऑफिशियली अनाउंस कर दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले आप SOL DU की साइट को ओपन करेंगे और जब आप फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। उसके बाद आपको जाना है कंटिन्यू टू वेबसाइट पर। जब आप यहाँ पर चले जाएंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा CBCS का। यहाँ से आप CBCS सिलेबी यानी कि सिलेबस अंडर ग्रेजुएट के लिए यहाँ देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपको फर्स्ट से लेकर सिक्स सेमेस्टर तक, जो सिक्स सेमेस्टर के नहीं आए थे कोर्सेज, सब्जेक्ट्स कौन कौन से लेने यहाँ अनाउंस कर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें BA प्रोग्राम के लिए, तो BA प्रोग्राम के सिक्स्थ सेमेस्टर में आप देख सकते हैं जो आपको सिक्स सेमेस्टर में लेने होंगे सब्जेक्ट, वो ये है जैसे इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, NHE, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, कॉमर्स। तो इनमें से जो टू डिसिप्लिन एज ऑप्टेड इन सेप्टेम्बर 1, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में, सेमेस्टर वन में जो लिए थे आपने सब्जेक्ट, उसमें से क्या करने हैं, टू लेने हैं, और स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में से वन लेने हैं, और एनी वन जनरल इलेक्टिव में से लेने हैं। ये तो बात हो गई BA प्रोग्राम की। ऐसे ही BCom में देख सकते हैं आप, BCom पास के लिए सिक्स सेमेस्टर के कोर्स जो ये हैं, यहाँ आप देख सकते हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में एनी टू लेने हैं इसमें से, और यहाँ से भी वन लेने हैं, और ये प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी यहाँ से लेना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये BCom पास के सब्जेक्ट हैं। ऐसे ही आप BCom ऑनर्स के सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट देख सकते हैं यहाँ पर, जो है ऑडिटिंग एंड कॉरपोरेट गवर्नमेंट्स, और है गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम लॉस। ऐसे ही फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंपनसेशन मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट ये हैं BCom ऑनर्स के। ऐसे ही BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सिक्स सेमेस्टर के कोर्स आप यहाँ देख सकते हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट 2, पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, और BA ऑनर्स इंग्लिश के भी सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट आप यहाँ देख सकते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि जब सेमेस्टर सिक्स के आपको ये सब्जेक्ट अनाउंस हो गए हैं तो कुछ समय में ही आपका रिज़ल्ट आ सकता है। वैसे तो आपका रिज़ल्ट मार्च तक में आने की उम्मीद है। तो ये थे आपके सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।